संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि श्रीहरिं परम्। हरे हरि हरि स्मृति विविध यज्ञ जप यज्ञो विशिष्टो दशभिर गुणैः उपांशु स्याच्छत गुणाः सहस्त्रो नाम सह स्मृता। विविध प्रकार के कर्म यज्ञों की अपेक्षा जप यज्ञ सभी से दस गुना विशिष्ट है और उपांशु जप का फल सौ गुना होता है। मानस जप का प्रभाव हजार गुना बन जाता है।
भगवान ने भी कहा कि यज्ञानाम जप यज्ञो अस्मि, कर्म यज्ञ होम यज्ञ अपनी अपनी जगह पर, ज्ञान यज्ञ अपनी अपनी जगह पर अच्छा है, लेकिन जप यज्ञ में जापक का अपना पौरुष के साथ साथ भगवान नाम का प्रभाव भी काम करता है। जैसे अजामिल नारायण नारायण बोलते हैं अपने पुत्र का नाम, और भगवान के पार्षद आए और जमदूतों का ताड़न कर दिया कि नारायण नारायण जप रहे, इसको अकाल मृत्यु का दंड क्यों दिया जाता है। बोले इस अपने पुत्र का ही नाम ले रहा है, भगवान का नहीं, इसके बेटे को याद कर रहा। बोले इसके बेटा तो कल हुआ, नारायण नाम पर तो भगवान का अनादिकाल से अधिकार है। नर नारायणम अयनम समूह मिति नारम नर नारी कायन, जो आत्मदेव है उसी को नारायण बोलते हैं। तो भगवान के नाम का प्रभाव जापक को लाभ देता है। वैसे ही शब्दों में अनंत शक्ति है, बहुत सारी शक्ति है शब्दों में, और वह शब्द अगर मंत्र हो तो स्थूल शरीर में स्थूल दुनिया में रहते हुए भी आप सूक्ष्म जगत से संबंधित हो जाते हो मंत्र के प्रभाव से। फिर चाहे भूत प्रेत का मंत्र हो, चाहे देवी देवता का मंत्र हो, चाहे भगवान का मंत्र हो, अथवा सब मंत्रों का बीज ओमकार मिला मंत्र हो। जैसे सेल्यूलर हाथ में लेते ही और उससे बात करते तो आप सैटेलाइट से जुड़ जाते हैं, फिर दूर दरार आपके मित्रों से आप फटाक से जुड़ जाते हैं सैटेलाइट के संबंध से। ऐसे सूक्ष्म जगत से आप 14 लोकों में अपने संकल्प का इच्छित विकसित कर सकते, आकर्षित कर सकते, अपने में उस ओरा को उस आभा को बना सकते। जैसे बीज छुपा है छोटा सा वटवृक्ष, उसको वटवृक्ष के बीज को भूमि खाता पानी मिल जाए तो उसमें बाकी की सारी योग्यताएं सुविकसित है। अभी विज्ञान ने ये काम किया है जो हजारों लाखों वर्ष ऋषियों ने करके इसको तुच्छ समझाता है कि आपके शरीर का एक भी कण न्यूरॉन्स लेकर उसी से आपके जैसा संतान व्यक्ति बनाया जा सकता है। वीर्य से तो होते ही है, पिता माता के रजवीर्य से तो उन्हीं के करीब करीब के संतान आदि होते, लेकिन कान से लिया या शरीर से कहीं भी एक कण भी ले लिया उस कण का विकास करते। जैसे कौरव कुंभ से 100 कौरव पैदा हुए, 60,000 सगर राजा के पुत्र। तो आजकल तो ये विज्ञानी पहले तक तो गप मानते थे, लेकिन अब 60,000 तो क्या, लाखों व्यक्ति एक व्यक्ति में से उसी के कणों से लाखों व्यक्ति बनाए जा सकते हैं, ये आज का विज्ञान यहाँ तक पहुँच गया है। तो एक एक कण में एक एक ग्रह नक्षत्र, एक एक नक्षत्र का प्रतिनिधित्व करने वाली शक्ति छुपी है। जैसे एक एक वट के बीज में एक एक वट वृक्ष छुपा है, लेकिन एक बीज में एक वट वृक्ष ही है ऐसा कहना अन्याय होगा। दुनिया के सभी विज्ञानी मिलकर ये नहीं बता सकते कि एक वटवृक्ष में कितने, एक वटवृक्ष बीज में से समय पाकर कितने वटवृक्ष बन सकते हैं। क्या एक वटवृक्ष में से एक बीज में से एक वटवृक्ष बनेगा, और उसके बीज में से कितने बनेंगे, और उनके बीज से कितने बनेंगे, बता सकते क्या? नहीं बता सकते। बता पाएंगे ना? नहीं बता पाए। ऐसे ही उससे, ये तो अभी बोलते हैं एक न्यूरॉन से ऐसा ऐसा होता। अपने हमने जब गुरुजी के चरणों में शास्त्र पढ़ा तो हमने ये भी सुना था कि एक जीव में से अनेक जीववाद की सृष्टि भी होती, एक ही जीव में से अनेक जीव बन जाते हैं, एक ही व्यक्ति में से अनेक। योग वशिष्ठ में वर्णन आता है कि ब्राह्मण समाधि करता था, उसको इच्छा हुई मद्यपान करने की तो दूसरे शरीर से वो धीवर हुआ, फिर दूसरी इच्छा हुई, तीसरा चौथा पांचवा, ऐसे 8 शरीर वो बन गया। फिर घूमता अपने मूल शरीर में आया, उसको जगाया। तो आपके आत्मा में अनंत शक्ति है, हरि अनंता हरि कथा अनंता। तो ऐसे ही बोलते हैं रामायण,
तुलसीकृत रामायण में कुछ अलग, वाल्मीकि रामायण में अलग, अमुक रामायण में कई प्रकार के रामायण है उनमें अलग अलग। तो राम तो एक हो गए और रामायण अनेक हो गए और अलग अलग लगता है कि भगवान अनेक बार धरती पर आए और भगवान के भावों का वर्णन करने वाले अनेक कवि आए और अनेक कवियों के भावों के पीछे भी भगवत सत्ता है। न जाने किस युग के किस काल के संस्कार किन लोगों के काम आएंगे, इसलिए भिन्न भिन्न रामायणों में भगवान की भिन्न भिन्न व्याख्या होते हुए भी भगवत कथा से, रामायण की कथा से लोगों का कल्याण ही होता है। तो विविध प्रकार के हरि अनंता हरि कथा अनंता, तो हरि के कथा कहने वालों के चित्त में हरि के भाव भी अनंत प्रकट होते हैं। तो व्यास जी ने केवल एक कृष्ण अवतार का वर्णन नहीं किया है भागवत में, कहीं 16 अवतार हो गए ऐसा तो काकभूषण ने वर्णन किया श्री कृष्ण। तो युग युग में भगवान कृष्ण आए और उनके जो अवतार और लीला है, तो कभी किसी अवतार लीला उनको जैसे जैसे जिस जिस युग के श्री कृष्ण के चरित्र, जैसे आपके मन में एक घंटे में 50 बातें आती, उसमें से कौन सी आपको मुख्य लगी वो आपने अमल में लाई या लिखी, बाकी की चली गई, दूसरे घंटे में दूसरी 10, 20, 50 आई। तो दिन भर में दो दो पाँच पाँच लेते लेते 10 घंटे में आपकी 5 लेते 50 नहीं हो, 50 में से भी मुख्य जो आएगी वो आपने रख दी। ऐसे दूसरे कवि ने दूसरे ढंग से किया, तो राम एक होते हुए भी उसके भाव रामायण में अनेक आने पर भी एक ही राम की कृपा से प्रेरणा से अनेक लोगों की चित्त की योग्यता के लिए, अनेक कवियों की योग्यता के प्रभाव से भगवान अनेक रूप में वर्णित हो जाते हैं। अरे गेहूं तो एक ही है आटा, और फिर उसमें से कितनी वैरायटी बना लेते हो, बेसन मैदा और शक्कर, बाप रे कितनी भी कितनी मिठाइयां बन जाती। सोन पापड़ी चल पड़ी, मोहन थाल चल पड़ा, बालूशाही चल पड़ी, फलाना चल पड़ा, दाल पकवान चल पड़ा, सोन वड़ा चल पड़ा, सिंधियों की मिठाई अलग है, मारवाड़ियों की अलग है, राजस्थानी मिठाई अलग है, लगाए तो ये तीन ही चीज़ें टपड़ सब मिस आ गया, मैदा बेसन शक्कर रहूंगी ये कितनी वैरायटी। तो ऐसे ही आपके अंतःकरण में परब्रह्म परमात्मा तो एक, लेकिन हमारे तुम्हारे रुचि भेद अनेक, हमारे तुम्हारे भाव अनेक। न जाने कौन से भाव से किसका मन चल पड़े ईश्वर की तरफ। हम विदेश में अमेरिका में गए थे तो 700 लोग थे धर्म प्रचारक गुरु लोग, उपदेशक लोग, गुरु तो कोई भी मिल रहे हो। तो मेरे सत्संग सुन के बहुत लोगों को ऐसा लगा तू और रहो टाइम। फिर मेरे आसपास में कई के मेरा वाले लग गए, कई पत्रकार, मिस्टर बापूजी हमारा धर्म हिंदू, हमारा तो एक ही गॉड, एक ही रिलीजियस, एक ही भगवान, तुम्हारा हिंदुस्तानियों का बहुत भगवान, बहुत धर्म, बहुत भगवान, ये सब क्या। तो मैं क्या, हमारा हम लोगों का मन 2 गज कपड़ा लेने जाते ने तो भी 2 डिजाइन देखते हैं, 2 रंग देखते हैं, तभी 2 गज कपड़ा खरीदते हैं। तो हमारा मन बहुआयामी है, वैरायटी पसंद करता है। रोटी हो सब्जी रोज एक जैसी हो तो नहीं चलता, अलग अलग वैरायटियां बनाते। तो हमारे मन में भिन्नता की मांग है, नवीनता की मांग है, वैरायटियों की मांग है। तो जिस दुकान में वैरायटियां नहीं है वो वैरायटी के जगत में दुकान वाला कंगाल है। ऐसे जिस धर्म में अनेक भगवानों की, अनेक अवतारों की, अनेक साधना की, अनेक उपासनाओं की, अनेक शास्त्रों की गाथाएं कथाएं नहीं है, वो धर्म वैरायटी के जगत में कंगाल है। हमारा धर्म शहनशाह है।